अजमेर के कुमार मोहल्ला में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए गंज थाने के ASI हंसराज ने बताया कि कुमार मोहल्ले में विक्रम सिंह पिछले कई वर्षों से अकेला रह रहा था और उसके माता पिता की मौत हो चुकी है। भाई मुंबई में रहता है। इसी अकेलेपन के चलते उसने मफलर से कमरे में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना उसके चाचा व पड़ोसियों ने थाने में दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है, जहां उनके परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में किसी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही किसी ने शोक जाहिर की है। फिर भी पुलिस अपने स्तर पर आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। आज दिनांक 22/2 को करीब 3:15 बजे के लगभग इतला मिली थी कि कुम्हार मोहल्ला में एक व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। जिस पर मौके पर पहुंचे तो विक्रम सिंह पुत्र सोमेश्वर सिंह उम्र करीब 25 साल जो कुम्हार मोहल्ला का रहने वाला था, जिसने एक मफलर से अपने खुद के कमरे में कड़े से बांध करके गले में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, जिसको उसके चाचा व अन्य आस पड़ोसी लोगों ने उतारा और मौके पे भी उसके स्वयं के द्वारा आत्महत्या करने की रिपोर्ट उन्होंने दी है, जिस पर लाश को चीरघर में रखवाया और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। नहीं, कमरे की तलाशी में अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। वो परिजनों से आसपास से मालूम किया कि भाई ये कहीं अकेला रहता था और इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, एक भाई बम्बई में कहीं काम धंधा करता है और ये अकेला रहता था, संभव अकेलेपन के कारण स्वयं द्वारा ये घटना करी है। और फिर भी जो मृत्यु का कारण है उसको जानने के लिए हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। लाश को चीर घर में रखवा दी। इसका भाई बम्बई से आ रहा है और परिजन दूसरे रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उनके आने पर कल इसका पोस्टमार्टम कराया जाए।